हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम लर्निंग एकेडमी। सो दिस इज़ कर्नाटका बोर्ड क्लास 10 हाफ ईयर मिड टर्म क्वेश्चन पेपर, थर्ड लैंग्वेज हिंदी विथ आंसर्स। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, गो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देयर, ईच कैरीज 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शब्द का अन्य लिंग शब्द इन शिक्षिका, घर शब्द का बहुवचन रूप घर, इनमें गुण संधि का उदाहरण है सुरेश, नवरात्रि शब्द के सामास है द्विगु, बनना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है बनाना, नेक्स्ट वन, जड़ शब्द का विलोम शब्द है चेतन, कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, सन्मान्य प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था डैश हमारे की देश की तथा कहा था कि हमारे पर्यावरण के शुद्ध रखना चाहिए। नेक्स्ट मेन, सेकेंड मेन, प्रथम शब्द प्रथम दो पदों से सूचित संबंधन के अनुरूप तीसरा पद से संबंधित पद लिखिए। सो दिस कैरीज 4 मार्क। सेब फल गाजर सब्जी, आंसर इज दिस इन ऑरेंज वन। नेक्स्ट 10th वन, हम्स सफ़ेद कौवा काला, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप, पवन वायु सिंधु सागर। सो दिस कैरीज 4 मार्क्स। नेक्स्ट कम टू 1 वर्ड आंसर, 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच कैरीज 1 मार्क। गिलेरी का प्रिय खाना क्या है, गिलेरी का प्रिय खाना काजू था, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई का नाम शमशुद्दीन थे, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं, परमाणु मानव को देखकर कांपते हैं, ITES का विस्तृत रूप लिखिए, इसका विस्तृत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबल्ड सर्विसेज है। नेक्स्ट में 2-3 वाक्य में लिखिए। 8 क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 16 क्वेश्चन। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के, आप ले जाएं खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। 18th क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा जी के जन्म कब और कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए, लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछ कर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, कई गंठन के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। नेक्स्ट वन, शनि किसका पुत्र है, शनिचर का अर्थ क्या है, शनि सूर्य का पुत्र है, शनिचर का अर्थ है कि धीमी गति से चलने वाला। आज की दुनिया कैसी है और मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। जैनुल आबुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं, जैनुल आबुद्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, ये नौकाएं तथरियों को रामेश्वर के धनुषकोडी तक लाने ले आए। शनि को क्यों सुंदर ग्रह कहा जाता है, शनि ग्रह के चाहों और वलय दिखाई देते हैं, वे गले के हार जैसे दिखाता है, इसलिए शनि सबसे सुंदर ग्रह अथवा क्वेश्चन। सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर्यमंडल का सबसे ग्रह बृहस्पति है, उसमें शनि का स्थान क्या है, सौर्यमंडल में शनि का स्थान दूसरा है। इंटरनेट जीवन का एक अंग बन गया है, इस विषय के संबंधित अपना अभिप्राय व्यक्त कीजिए, अथवा इंटरनेट का मतलब क्या है। सो दिस इज़ द आंसर, अथवा क्वेश्चन न ग्रीन ले रहे आंसर। नेक्स्ट कम टू 3-4 क्वेश्चन, 3-4 वाक्य में सेंटेंसेस में लिखिए। नाइन क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच कैरीज 3 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, सेब की हालत के बारे में लिखिए। पहला सेब 1 रुपया जितना छिलका गया गला हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा था, तीसरा सेब सड़ा नहीं था पर एक तरफ से दबकर पिचक गया था, चौथा सेब के भीतर धब्बे बड़े थे जैसे बेरों में होते हैं। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता है, वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था, लेखिका की थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था,
खिड़की की जाली से लेखिका के बाहर जाली के बाहर जाने बाद वह भी बाहर जाता था, ठीक 4 बजे अपने झूले पर आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते हैं? रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वर में अखबारों की जुमला 1,000 प्रतियां बिकती थी। क्वेश्चन नंबर 28, बसंत और प्रताप आहिर के घर पर क्यों रहते थे? बसंत और प्रताप के माता पिता को दंगों के समय में किसी ने मार डाला था, इससे वे दोनों अनाथ हो गए थे। वह किसी से भीख मांगकर जीवन बिताना नहीं चाहते थे, वह खुद सामान बेचकर पैसा कमाते थे, इसलिए वे भीखों और आहिर के घर पर रहते थे। इंटरनेट से होने वाली लाभ के बारे में लिखिए। नेक्स्ट वन, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत हरे भरे खेतों से भरा हुआ है। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं। भारत माँ के अंदर खनिजों का विवाहक धन भरा हुआ है। माँ मुक्त हस्त से सबको सुख संपत्ति और धन धाम बांट रही है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दोहे का अर्थ लिखिए। गद्यांश को अंग्रेजी या फिर कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को 5 या 6 वाक्य में आंसर दीजिए। बसंत ईमानदारी लड़का था कैसे? अथवा राजकिशोर की मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। नेक्स्ट, कविता को पूर्ण कीजिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए पै परिहरि वारी विकार। गद्यांश को पढ़कर, दैट मीन्स पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म कब हुआ था? हियर इज द आंसर इन इन पैसेज ओनली द आंसर। तो ठाकुर गोपाल जी का जन्म 1892 में हुआ था। शरण जी ने किस उम्र में अंग्रेजी पढ़ना शुरू की थी? 13 वर्ष। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का महाकाव्य का नाम क्या था? महाकाव्य का नाम जगदालोक जगदलोक था। नेक्स्ट वन, छुट्टी पत्र लिखिए, एनी वन। नेक्स्ट निबंध, 15 to 20 सेंटेंसेस में निबंध लिखिए। सो दैट शुड बी, इफ़ यू राइट एसे ऑन बेरोजगारी, यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स। दैट इज़ फर्स्ट वन, विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन, यू हैव टू राइट अबाउट दैट एसे। देन बेरोजगारी के प्रे, ಬೇರೋಜಗಾರಿಕ ಕಾರಣ, ಉಪಸಂಹಾರ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಲಾಭ, ಹಾನಿ, ಉಪಸಂಹಾರ. ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಬರೀಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಹೌ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬಿಟಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.